लेना सर गणेश जी की चतुर्थी है। तो थोड़ा सा आध्यात्मिक रहस्य 2-3 मिनट पर सुना देते हैं कि संसार अब मनाने लग गया है। पहले तो भारत में ही था, बॉम्बे महाराष्ट्र मनाता था, फिर तो अब तो गली गली में भी जाएंगे ना, गांव गांव में भी, तो आराम से उनकी प्रतिमा क्या होती है गणेश जी की, हर जगह दिखाई देती है। और उनका पूजन अर्चन गायन कितनी भक्त आत्माएं करते हैं, और उनकी याद से अपने भी विघ्न क्या सोचते हैं, हर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तभी उनका नाम विघ्न विनाशक गणेश जी रखा है, कैसे विघ्नों को हरने वाले हैं। लेकिन हम सब इन जितने भी पर्व त्यौहार हैं ना, सब में क्या छिपी है, आध्यात्मिकता छिपी हुई है और हम समझते ही नहीं। बाबा के भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो कल के दिन बड़े ही प्यार से गणेश जी की प्रतिमा लाएंगे घर पे, पूजा करेंगे, नहीं भी लाएंगे ना तो जा जा करके उनके दर्शन करेंगे जा करके, और उनको बुद्धिमानों का बुद्धिमान भी समझा है लोगों ने। तो क्यों हम लोग इतना भक्ति पूजा पाठ अर्चना कीर्तन भजन सब कर रहे हैं, तो कम से कम हम बच्चों को तो उसका आध्यात्मिक रहस्य समझना चाहिए ना, कि गणेश जी गणेश कैसे बने। आज हम सब कौन बैठे हैं जो अपने स्वयं के भी विघ्नों को क्या करने वाले हैं, दूर करने वाले, हरने वाले, और संसार के भी जितने भी विघ्न हैं उनको क्या करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। विघ्नों को समाप्त करने वाले हैं, तो सब हम बैठे हुए संगम युग पे बाबा के बच्चे, बाबा ने सबको क्या बना दिया, विघ्न विनाशक बनाया। और दिखाते हैं कि गणेश जी के कान बड़े बड़े थे और कान सूप जैसे दिखाई थे। तो ये सूप जैसे कान किस चीज का प्रतीक है, जैसे सूप होता है ना, सूप से हर चीज पछोरी जाती है, तो जो चीज वेस्ट होती है वो निकाल देते हैं, और जो अच्छी चीज होती है वो सूप के अंदर ही बनी रहती है। तो ऐसे ही गणेश जी जो क्या किया, उन्होंने जितनी भी अंदर की बुराइयां थी, विकार थे, वो सब उन्होंने क्या किए, सब अपने जीवन से बाहर निकाल दिए। थी गुण थे, चरित्र थे, वो सब उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, धारण किया, इसीलिए उनके कान बड़े बड़े और कैसे दिखाते हैं, सूप जैसे दिखाते हैं। फिर उनका पेट जो है ना, कैसा दिखाते हैं, कैसा दिखाते है? बहुत कि पेट मोटा नहीं है, भारी नहीं है। हम लोग सोचते वैसे ही सेम प्रतिमा अपने माइंड में मेकअप की हुई है, और वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, वैसे ही प्रतिमा बना के उनकी हम पूजा कर लेते हैं। तो ये जो बनी हुई है ना, इनका पेट इतना तो ये पेट भी किस चीज़ का प्रतीक है, क्योंकि जब बाबा संगम पर आता है ना और क्या कहता है, बच्चे इस पेट में हर चीज़ क्या करो, क्या करें, संभालो, सब चीजें पचा लो, सब चीजें संभाल लो, ये इसका प्रतीक क्या है, पेट है। जैसे भक्त आत्मा सोचती गणेश जी का पेट क्या था, इतना ही बड़ा था, इतना ही मोटा था। लेकिन हम कोई बात की, क्योंकि आध्यात्मिक बुद्धियों को सुलझाने की किसी ने भी साधु संत ऋषि मुनि आए ना, उनकी बुद्धि को सुलझाने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। ये सिर्फ बाबा ही जब संगम पर आता है ना, तो ये गुत्थियों को क्या करता है, सुलझाता है, और हम बच्चों को हर चीज का क्लियर ज्ञान देता है। तो इससे सब चीजें क्या होती, स्पष्ट होती है। और वो कहते बहुत बुद्धिमान था, तो बुद्धिमान किस चीज का था, तब कहते वो बुद्धिमान इतना था कि वो माँ बाप के उसे चक्कर लगा लिए सेकेंड में।
तो माँ बाप के चक्कर लगाने से क्या होगा, सिर्फ चक्कर ही लगा लें। आज के इस कलयुग के अंत के समय पे आज की जो संतान हुई है वो कैसी है, भले गणेश की खूब अच्छी पूजा करेंगे, माँ बाप के चक्कर लगाने का रिस्पेक्ट करना, माँ बाप के बताए हुए रास्ते पर चलना, जितना हो सके अपने माँ बाप से प्यार करना, आज वो चीजें तो रही नहीं है। बाबा ने आके मैं क्या सिखाया, आज भी मुरली में ना सबका क्या करो, रिस्पेक्ट करो, बड़ों का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो माँ बाप क्या होते हैं, हम लोगों से बड़े होते हैं ना, हम तो उनके छोटे ही होते हैं ना, हमसे छोटे ही होते हैं कि हम बड़े होते हैं। तो अपने माँ बाप का क्या करना है, उनका कहना मानना, उनका रिस्पेक्ट करना, उनको प्यार करना, उनकी जो तकलीफें उनको समझना, और समझ करके उनकी हर मुराद क्या कर देनी है, मन के संकल्प भी टच कर हो जाए, और ये तो बुद्धि है। तो हम सब बैठे कौन है, सब विघ्न विनाशक चौमुखी प्रतिभा वाले चतुर्दशी, चारों तरफ की हमें हर चीज की समझ और नॉलेज रखने वाले ऐसे विघ्न विनाशक गणेश जी का कल के दिन कितना धूमधाम से लोग क्या मनाएंगे। पहले तो सुनते थे सिर्फ भारत तक ही भी बड़ा था, अभी तो विदेशी भी मनाने लग गए, और कहते उनको लड्डू बड़ा पसंद, मोदक लड्डू जो था ना बहुत पसंद था। तो लड्डू कौन सा लड्डू, जो बाबा के बच्चे बने हैं वो गणेश है, और इनको कौन सा लड्डू पसंद है, मुख में क्या है, विश्व की बात सही का लड्डू। वो लड्डू तो कब तक खाते रहेंगे, कहते वो लड्डू खा खा के पेट मोटा हो गया, वो लड्डू कब तक खाएंगे, विश्व की बात सही का जो लड्डू है ये हम सब के मुख में है। तो ऐसा मन में सदा खुशी में रहें, डांस करते रहें, ये मन का रस है, जब इस खुशी में और इसमें डांस करते रहेंगे ना, तो यही क्या है, विघ्न विनाशक गणेश जी की चतुर्दशी है, और ये खुद भी हर चीज के आध्यात्मिक राज को समझे, औरों को भी समझाने का, और अगर हम कर सकते हैं तो दी बेस्ट है। अच्छा, ओम शांति।